अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, मेरा एक दोस्त एक रेस्टोरेंट पे शीशा पी रहा था, जो कि पूरे पाकिस्तान में बैन है, जो कि होना चाहिए, बहुत नुकसानदेह। उसके वालिद साहब आए थे आंधे, उन्होंने चंडी जोड़ पे दबाह दबाह। अब मैं भी चाय पी रहा था कहीं बैठा हुआ, तो वो ना अपने बाप के सामने बोल पड़ा, लोगों के सामने क्यों मार दो मैनू, एक तरीका है, घर जाके मार सकते हो। मैं तप गया, मैं साइड पे ले गया, मैं कहती तमीज़ नहीं है तेरा, बाप है, बाप के साथ कोई ऐसे बात करता है। खैर बात आई गई होगी। कल मैं इसी जगह पे शो कर रहा था, वहाँ बैठा था, जब कोई आवाज़ मेरे कान में पड़ती है मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, शो आगे बढ़ नहीं सकता। तो मेरा बेटा पीछे लगातार बोलता जा रहा था, तो मैंने, क्योंकि वो दूर था, मैं उसको डांटता नहीं हूँ, तो मैंने कहा रोहम। मैं शो करता रहा, जब ब्रेक के बाद मैं कमरे में गया तो वो जारो कतार रो रहा था। एक 4.5 साल का बच्चा मुझसे कहने लगा, बाबा आपने मुझे सबके सामने क्यों डांटा है। और ये सच है, ये सरासर सच है। तो मैं ये बात सीखा, तमाम वालदैन से मेरी ये इल्तिमास है, दरखास्त है, गुजारिश है। ये कहावत पुरानी है कि जब बच्चा या बच्चे का कद आपके बराबर हो जाए तो उसे सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, घर जाके डांट ले। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से हमारी इस खूबसूरत टीम की तरफ से और इमरान अशरफ की तरफ से खुश हम दे एहतराम और आए ला जी प्यार से यहां से ले जाया जाए। आहा टैलेंट 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 सरासर टैलेंट। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तुझे तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अशकों की कितारों में तुम्हें देखा है, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। माशाल्लाह देखो ना फनकार ने इसे रंग का बंदा इंडिया की फिल्म टेलीफोन करके कह रहा होंगे, अरे मेरा 500 करोड़ लेके किस गुफा में छुप गया तू, तलाश कर लूंगा तुझे, तलाश कर लूंगा। इतने बाजा बजान डे मेरा 500 करोड़ लेके कहां छुप गया रे तू, जो 100-200 से दे। इमरान भाई अभी कह रहे थे बच्चा शीशा पी रहा था, सरदार साहब नु भी शीशा पीने की आदत पै गई। अच्छा ओए होए होए, जे शीशा वो नहीं सी पींदे
घर मूह वेखण वाला ना रगड़ के पानी च पा के पी दे लेकिन वो जो आपने बात की है कि माँ बाप को थोड़ा सा गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, डांटे भी मारे भी लेकिन तरीके से, तरीके से। हाँ। सरदार साहब के बच्चे, हाँ जी भाई, क्या बात, वाह वाह अदब। मैं कहना वहां प्यो अगे अख नहीं चुक दे, हाँ मुंह ही इधर कर लेंगे हनी भाई जी अपने मुंडे नु मार रहे सन, कहते शीशा पीना मारिया, कहते अब्बा जी घर जाके मारो, कहना फिर शीशा घर आके पी हमारे आज के मेहमान अदाकारी, अदाकारी तो आप सीख सकते हैं क्योंकि अदाकारी कहीं ना कहीं तो नकली होती है, नेचुरल अदाकारी क्या आप अदाकारी कर रहे हैं लेकिन अदाकारी लग नहीं रही, इसका मतलब ये है कि आप कैमरे के सामने भी अदाकारी कर नहीं रहे, आप अपने किरदार को असल जिंदगी समझ रहे हैं तो नेचुरल अदाकारी होती है। ये शहजादा है नेचुरल अदाकारी का, आजकल नहीं पिछले 5-6 साल से लगातार हिट पे हिट, हिट पे हिट, हर किरदार पिछले किरदार से मुख्तलिफ, हर किरदार की परफॉर्मेंस पिछले किरदार से मुख्तलिफ, वो भी नेचुरल रहते हुए। आपकी ढेर सारी तालियों में आपके दिलों का राजा, आप सबका फेवरेट, द वन एंड ओनली वर्सटाइल ग्रेट एक्टर अली अब्बास। सर, मैं वहां जाने से पहले एक बात करना चाहूंगा। अभी तो आए हैं ये जो आज मैं बहुत शोज में गया हूँ लेकिन जो आज मेरा इंट्रोडक्शन इमरान ने दिया है, ये मेरा ख्याल है मेरी आने वाली जिंदगी का भी सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन है। सो इमरान के लिए प्लीज, अरे सर तशरीफ रखे, सर तशरीफ रखे। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारी इस खूबसूरत टीम की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और वो तमाम ड्रामा देखने वाले लोग जिनके दिलों में आप रहते हैं, उन तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से वेलकम टू मज़ाकरा। क्या बात, अली भाई वेलकम टू मज़ाकरा। थैंक यू, थैंक यू। और बड़ा इंतजार था आपका, फाइनली आप आ गए। थैंक यू। आपकी नजर एक शेर जी, मन ले बस एक अर्जी कह ले, मन लै बस एक अर्जी कह लै, अपना भावें फर्जी कह लै, ते होर किसे दी गल नहीं करनी, तू सानू जो मर्जी कह लै। वेलकम टू मज़ाकरात अली भाई। और एंज नहीं, गाना तो सुनाना पड़ेगा, इनको नहीं सुनाना तो किसको सुनाना। अरे अरे सुनाइए सुनाइए, वाह 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 वाह। यार पहली लाइन ही कुछ नहीं, मशाला इन्हें पैसे लेंदे हो, कान ही साफ करा लो। तुझे भी इन्ने पैसे लेंदे, टाइम ना शुरू करया करो जी। अली भाई की नजर दोस्त खान साहब के दो बोल और ही शुरू करी था, तो उज़्मा गलानी साहब जड़ा पॉज ले लेने जी। काग उड़ावा शगन मनावा, काग उड़ावा शगन मनावा, पग दी वादे कर ले पावा, तेरी याद पवे ते रोवा, तेरा जिक्र करा ते हसा मैया किधरे ना।
दसां वे परदेसिया वे परदेसिया तेरिया किधरे न पैदिया दसां ओ मच्छी फड़न गया ते मच्छी ने इनू फड़ लिया इमरान भाई हनी भाई को ना फॉरेन से एक ना गिफ्ट आया शूज का तो ये उसका कंट्री लोग खुलवाने चले गए Good to have you. सबसे पहले तो सर कुछ दिन पहले आए थे and he was really appreciating you. कितना pressure होता है अपनी family legacy को लेकर आगे चलना? बहुत ज़्यादा pressure होता है. I think यही एक pressure है जो हर दिन होता है. मुझे लगता है कि जैसे इमरान है या और इनके जैसे जितने बड़े actors हैं, इन सब पे भी एक तरह का हर actor पे एक pressure होता है क्योंकि आप एक जगह पर पहुँच जाते हैं तो वो पहुँचना कदरे आसान होता है उस जगह को maintain करने से. उसको वहाँ पर persistently उस जगह पर रहना evolve करते रहना वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है. और रहा सवाल दादा का तो मेरा ख्याल है कि दादा जैसे लोग तो अब दुनिया में पैदा होने बंद हो गए. वैसे लोग नहीं आ रहे. हाँ अब्बा जो हैं उन लेकिन उनकी जैसी एक्टिंग भी नहीं कर सकता मैं. सॉरी क्या बात है वसीम साहब. प्रेशर उस तरह नहीं है. मुझे लगता है जहाँ पर हूँ जैसा हूँ बिल्कुल ठीक है. बस कोई ऐसी ऐसी हरकत ना करूँ के जिससे उनका नाम बदनाम हो बस. माशाल्लाह. या पकड़ा ना जाऊं. पकड़ा तो नहीं. अली भाई हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक हमें ये पता चला कि वसीम अब्बास साहब ये चाहते थे कि आप अदाकारी ना करें. जब वो आपको मना करते थे कि अली अदाकारी मत करो आगे से आपने ये कभी नहीं कहा कि तुसी क्यों कर दे. नहीं यार इमरान आपको पता ही है कि मेरा और मेरे वालिद का जो रिश्ता है बड़ा दोस्ताना भी है लेकिन उसमें एक लाइन है जो क्रॉस नहीं की जा सकती. तो वो जब मना करते थे उस वक्त तो बहुत बुरा लगता था और दिल में ही जरूर लेकिन बात मना तो नहीं हुए आप. मना नहीं हुआ मैं. मैं मना नहीं हुआ. आप जानते लाइन तो क्रॉस हो गई सर. आप जानते हैं बहुत ढीठ इंसान. नहीं लेकिन मुझे ये लगता है कि ये प्रोसेस अब चेंज हो रहा है और ये अच्छी बात है. चेंज होना चाहिए कि पेरेंट्स अब अपने बच्चों को पहले से ये नहीं बताते थे कि तुमने ये करना है. मेरे अब्बा ने जब मैं रोहाम की एज का था तब से मुझे कहना शुरू कर दिया था कि तुमने सीएसएस के पर्चे देने हैं. अब तब मुझे पता भी नहीं था कि सीएसएस होता क्या है. वो वक्त के साथ साथ जब पता चला तो एप्टीट्यूड ही नहीं था. ध्यान ही नहीं था. ध्यान ही इधर था क्योंकि सारी जिंदगी दादा को देखा था फिर वालिद को देखा. तो अब आप कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं. आप बच नहीं सकते उस वो जो बुखार है उससे. आप वो चढ़ना ही चढ़ना है आपको. अच्छा तो वो उसके लिए लेकिन मैंने तगो दो बात की है. मैंने क्या चीज अट्रैक्ट करती थी शोबिज की. यार ऑनेस्टली स्पीकिंग इमरान उस वक्त तो मुझे पॉपुलैरिटी फेम लोगों में मुनफरिद नजर आना. मुनफरिद नजर आना. अटेंशन. जी 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 वो अटेंशन सीकर मैं अभी भी बहुत बड़ा हूँ. लेकिन ये चीज होती थी. लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब किस तरह की अटेंशन मांगते हैं. देखिए डिपेंड करता है सामने है कौन. आप समझे कि मैं हूँ और मैं एक दोशीजा हूँ. इमरान अगर आप दोशीजा होते और आप मुझे मिल जाते मिल तो यकीन माने मैं आपसे शादी कर लेता. टाइटल्स ड्रामे के जो टाइटल होते हैं जिन पे अदाकारों की तस्वीर होती हैं मैंने सुना है इस पे बहुत लड़ाइयां होती हैं. सच है ये बात. ना सिर्फ टाइटल्स पे लड़ाइयां होती हैं बल्कि नामों पे भी लड़ाइयां होती हैं. क्या मतलब जरा रोशनी डालिएगा. रोशनी आपसे ज्यादा रोशनी कौन डाल सकता है इस बात पे. सर लेकिन मेरी पोजीशन ऐसी है. देखिए हमने मैं एक आज राज की बात आप सबको राज तो नहीं है लेकिन एक रिकलेक्ट कर रहे हैं हम बात को. पुरानी बात याद दिलाता हूँ आपको. हमने कोई 5 साल 6 साल पहले गालबन एक ड्रामा किया था. हमने कहा ड्रामे का टाइटल कैसे बनेगा.
अब हमारे ख्याल में यही था कि एक लड़की है, दो लड़के हैं, तो तीनों ही एक साथ होंगे और क्या कैसे होंगे ये पूछ रहे थे। उन्होंने कहा यार आप लोग नहीं हो सकते उसके टाइटल पे। यार हम नहीं हो सकते, और हमने वहाँ धरना दे दिया कि शूटिंग नहीं होगी, हम रोक के, याद है अस्पताल के सीन्स हो रहे थे, हम बाहर पार्किंग में जाके खड़े हो गए और लोग की आ रहे ने मना सानू। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकते क्योंकि ड्रामे का नाम है मैं माँ नहीं बनना चाहती। अच्छा अच्छा उसके बाद असी असी क्या के डिस्कस किया असी ते मैं क्या इमरान की करिए कहता है भाई जन टाइटल ना होया ते गल खराब हो जानी। असी क्या जी टाइटल ते असी होवांगे। वो लड़ाई चलती रही बाद सानू फिर आप शर्मिंदगी हुई क्योंकि पोस्टर आंदा पहला कि मैं खलोता दाढ़ी दूढ़ी रखी है शलवार के दोनों को शलवार कमीज पहने हुए थे हमने उसमें बड़े बड़ा जबरदस्त लड़ाई झगड़े वाला आपस में था। शलवार कमीज पहना हुआ मैंने और नीचे लिखा हुआ मैं माँ नहीं बन। फिर इमरान का आया इसी तरह मैं माँ नहीं बनना चाहती। ऐसे क्या यार तुझे छोड़ दियो तुझे कुड़ी नहीं ला दियो। पर वो ड्रामा चला और उसी टाइटल के साथ चला। यूं करके मैं खड़ा हुआ हूँ, यूं करके अली भाई खड़े हुए हैं और बीच में लिखा आ रहा है मैं माँ नहीं बनना चाहती। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर आपकी। सर मैं आपका तो फैन हूँ लेकिन आपकी तीन जनरेशन का भी मैं बिग फैन हूँ सर। क्या बात, माशाल्लाह आपका वाहद खानदान, सारे आर्टिस्ट कोई एक कदर तो डॉक्टर बन जाता सर। कदर करो बेटा जो पैदा हुए ने उन्होंने उदो ही कदर शुरू हो गई सी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ। ਕਦਰ ਕਰੋ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲਿਖਣ ਕਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸਭ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸਕੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤੋ ਹੈ लेकिन जवानी उससे भी ज्यादा मुख्तसर है। आपकी जवानी ही आपके बढ़ापे का तयन है, लिहाजा इसमें बेहतर फैसले करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। वाह वाह वाह। इस पे मैंने सारा एक छोटा सा शेर लिखा है। अच्छा मुझे बता तकरीर कर रहे हो ना तो जाना कह रहा था रोड़ा के ने मार। वॉशरूम यूज कर सकता हूँ इन्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए। क्यों? ये अगर जाएगा तो बाद च सारे शावर टूटियां ला के बैग पा के निकल जाता। मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है रोन के अहदे जवानी अलविदा। रोने के अहदे जवानी अलविदा 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 है शादमानी अलविदा। वक्त की रफ्तार काबू में न थी नामुकम्मल सी कहानी अलविदा। बुढ़ापे में नहीं मिलते सहारे कंगना तेरा नहीं सानू करे इशारे कंगना माशाल्लाह बहुत प्यारे आप क्यूट है ज़ुल्ला भी क्या बात मिले यूं ना उधर उधर ही रो मेरे तो मेरे ना मेरे पैंदा नहीं तनू मुंडे क्यूट लगते हैं सर जो पूरे पाकिस्तान को क्यूट लगता है अगर मुझे भी लग गया तो कोई पाकिस्तान पूरा ठीक है तुझे रहने दो। बाकी अली भाई प्यारे तो आप बड़े हैं कोड तो इंज पाया जिम्मे इंग्लिश फिल्म च आंडे बेच दे। एक्सक्यूज मी $1 वॉर्म एग्स $1 दिस प्लीज। पॉइंट तुम भी तो अद्धे जितेंद्र बन के आए हो। आपने फेवरेट ड्रेसिंग की है सर। मैं ये लॉन्ग कोट आपको पता है कब पहनता था? जब झाड़ू देना होगा। आपको पता है कि मैं ये लॉन्ग कोट कब पहनता था? जब आप बेको सोटियां खानियां हो तो मोटा कपड़ा पहनता सी। हाँ
नहीं मैं जब डायरेक्टरों से काम मांगता था सर, मुझे बड़ा शौक था एक्टिंग किस करने। अच्छा हाँ जी, हाँ जी सर। आप एक्टर भी रहे? हाँ हाँ सर। और हैं बाल बाल बचे हैं कुछ किस्मती से सर। आबादी का ज्यादातर हिस्सा नौजवानों पे मुश्तमिल है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि नौजवान फिक्र मुस्तकबिल से बिल्कुल दूर है। तनु की होया तू तो माशाल्लाह ठीक है। नौजवान हमेशा यही सोचते हैं काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते हैं, लेकिन गया वक्त हाथ नहीं आता सर। ये शेर है, शेर शेर लाजमी सुनिएगा। यूं जवानी आई रुखसत हो गई। हाय हाय की मसला यार बाबा, यूं रुखसत आई जवानी हो गई। यूं रुखसत आई जवानी हो गई नहीं यार। अच्छा यूं जवानी आई रुखसत हो गई, आई ना देखा तो हैरत हो गई। काम करने की उम्र हैर आएगा और गालब हम पे गुर्बत हो गई। फिक्रे मुस्तकबिल से भरपूर हो जवानी, मैं भी तेरी तेरे उते मर्दानी। वैसे इस शेर तो बाद में वही प्रपोजल दवांगा, उस तो मैं शूटिंग च बिजी हाँ, तुम मरना चाहते हो तो मैं डेट काट लें। सर माशाल्लाह बहुत प्यारे, अल्लाह नजरे बस से बचाए। सर एक बात करूं आपसे? हाँ जी। सर आपकी माशाल्लाह शख्सियत की एक अलग खुशबू, इस पे मैंने कुछ लिखा है, किस कदर है रमा खुशबू, हो गई थक के नीम जा खुशबू, गर्म गोशियां सुनाती हैं गर्म सांसों के दरमियां खुशबू, दिल जीत लेता है तेरा दबे लफ्जों में बोलना, आयो रे मोरे ढोलना, आयो रे आयो रे मोरे ढोलना, आयो रे। अली भाई जी मुतमईन है बहुत ज्यादा अपने करियर से? जी जी जी। इंडस्ट्री से? बिल्कुल। किसी किस्म का कोई ख्वाब? यार इमरान देखिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ख्वाब तो आपके बढ़ते जाते हैं ना, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार इस तरह का भी एक कैरेक्टर करना है, ये वाला गेटअप भी लेना है, इस तरह की कहानी में भी काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मुतमईन नहीं होंगे ना अपने काम से तो आप बेहतर काम कर नहीं पाएंगे। क्या बात, कैटेगराइज कर दिया जाता है यहाँ अदाकारों को। जी जी। कहीं आप तो उसका शिकार नहीं हुए? आई डोंट केयर, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये इंडस्ट्री का रिवाज है। शुरू से गुस्सा आता है जब कोई नॉन डिजर्विंग इंसान हो? पहले आता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि जितने फिक्के हैं वो ट्राई हो जाए, फिर हमारी बारी भी आ जाएगी। क्या बात, क्या बात। तो अली वसीम सर, जब आपका ड्रामा देखते थे या देखते हैं तो डांट पड़ती थी? मेरी कोशिश होती है वो मेरा ड्रामा ना देखें कि मैं डांट खाना नहीं चाहता, लेकिन अब्बा जी का मेरे साथ ये है कि वो काम के हवाले से मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, सबसे बड़े क्रिटिक हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी बीवी और मेरे अब्बा, तो जो सबसे दो करीबी लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, और उसकी वजह से मुझे जो फ़ायदा हो जाता है वो ये होता है कि जितना मर्जी हिट हो जाए कितना काम, मेरे पैर जमीन पे ही रहते हैं। क्या बात, मुझे ये पता रहता है कि मेरी गलतियां क्या थी। क्या बात, एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर एक तरफा मोहब्बत ख्याल ख्याल ऊंचे हैं गालिब। अच्छा जी, होए होए होए। अच्छा इनसे सवाल में थोड़ी सी जो है ना वो मैं कहता हूँ थोड़ा सा चेंज कर, बदलाव होना चाहिए। ख्याल की बजाय अगर ख्यालात कर दिया जाए। क्या देखे कशिश आप में कितनी है इसका तो मैं चश्मदीद गवाह। लोग बहुत पसंद करते हैं अली भाई, नो डाउट। जो लोग किसी को पसंद नहीं करते वो इनको पसंद करते। इससे पहले कि ये और हम इस पटारी को और खोले, इस बात को इधर खत्म करते, और मैं आपको सिर्फ एक ही बता देता हूँ बात की, क्या चक्कर है कि
चक्कर नहीं कोई आजकल तो कोई नहीं करबे इन्होंने खानदान से हुसन की देवी है इनके कदमों में ही रही। लेकिन ये क्या बात है, ये कौन सी ऐसी कशिश है कि मैंने बड़े लोगों को आपका दीवाना देखा। अच्छा मुझे नहीं लगता कि उसका ताल्लुक कोई मेरे अपीयरेंस के साथ है, मुझे लगता है गल बात ये बड़े आप घेर लेते गलबातियां तो आपको पता है हमें होना पड़ता है एज एन एक्टर, हमें बताइएगा आप ये कोई मैं आपको फंसा नहीं रहा, आपको एक सच में क्योंकि मैं चश्मदीद हूं जी, आपसे बहुत से लोगों को उनसियत है, मुझे ये लगता है कि जो मैं जो एक चीज जिसको मैंने आज तक खत्म नहीं किया अपनी जिंदगी से, मैं औरत की इज्जत बहुत करता हूँ। बिल्कुल, उसको जब कोई मर्द उसके लिए दरवाजा खोल दे या उसके लिए कुर्सी छोड़ दे या उससे पूछ ले कि आपकी तबीयत ठीक है आप ओके हैं, तो मेरा ख्याल है वो इतना ही काफी हो। सरदार साहब ने एक औरत ने पूछा आपकी तबीयत कैसी, कहती तेनू की तकलीफ है। सरदार साहब लड़की दरवाजा खोल दिए कि दफा हो जाए। वो टाइम भी आंदा है एक बारी जब लड़की कुड़ी बुआ खोल के कहने दरल जा तू, वो वक्त आया कभी हर बार। मेरी तो बीवी रोज दरवाजा खोल के कहती है तुमने जाना नहीं शुरू कर। सर देखिए मेरी बात सुने, बड़ा आपने कवर करने की कोशिश की लेकिन बीवी एक बार होती है हर बार नहीं। देखिए बीवी एक ही है और क्या बात है बीवी एक ही है। और मेरी बीवी जो है उसका कमाल ये है कि जो मैं आज तक एक एक पीस में हूँ उसकी वजह से हूँ। मैं चश्मदीद हूँ, इज्जत देने के लिए वक्त या बात दरकार होती है, वक्त चाहिए होता है, मौका चाहिए होता है। मैंने ऐसे लोगों को भी आपसे मोहब्बत करते हुए देखा है जिनसे आपकी बात भी नहीं हुई। मुझे ये लगता है कि मैं रोमांस बहुत अच्छा करता हूँ, ऐसा मुझे कहा गया है कई दफा। मेरी बात आप गलत सगाना लेके चले, हम पागल हैं। मैं सीन के अंदर मुझे काफी एक्ट्रेसेस ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि यार आपका रोमांस बहुत इंटेंस होता है। मेरे ख्याल से तुम्हारा गेटअप भी ऐसा ही है, गरीबों के प्रभु देवा लग रहे हो। अली भाई मेरा सवाल उधर ही है जी जी, क्या यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? सर यकतरफा मोहब्बत मुझे है और इस बात को तकरीबन 12-13 साल गुजर चुके हैं और मैं बहुत हैप्पी हूँ उस यकतरफा मोहब्बत में। किससे है? तो पूरी दुनिया को पता है वैसे कि मुझे माहिरा खान बहुत पसंद है और आज से नहीं जब वो वीजे थी। आप सामने कैमरा है, माहिरा आपको देख रही है जी, आप अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो। उन्होंने ब्याह हो गया, मैं क्या कहना हूँ। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूंगा कि मैंने एक मोहब्बत तो मुझे जिंदगी में जो पक्की मोहब्बत है वो अपनी बीवी से है, ये तो कंफर्म, ये तो घर जाना है। अच्छा और अली भाई कितनी बार मोहब्बत पर यकीन रखते हैं, एक बार या दो बार? नहीं, बड़ी पुरानी बातें हैं मोहब्बत, मुझे नहीं लगता कि एक बार हो गई वो फिर उसके बाद आप रह गए। बार बार मोहब्बत आपको अच्छी बातें होनी चाहिए, मोहब्बत आपको हमेशा जवान रखती है, जिंदा रखती है, खुश रखती है। अली माहिरा जी से तो एक तरफा मोहब्बत हो गई, क्रश किस पे है आपको? यार मुझे इकरा अजीज बहुत पसंद। अरे बस इकरा अजीज ही क्रश अगर कहें तो वो। अली भाई कभी राइटर की तरफ से सीन लिखा है हो कि ये लव सीन है जी, अली बास अगो तू आप कारीगर है जो मर्जी कर ली। अपने हम असर जितने आपके हैं कुलीग है उनमें से ज्यादा मुतासर आपको किसने किया परफॉर्मेंस में? इसने नान भाई, क्या बात है यार अली भाई। नहीं मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि इमरान जो है इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि हर बार मुख्तलिफ काम करने की कोशिश करते हैं। वाह। और उस जैसे अभी हम मूसा और मुरीद की बात कर रहे थे उसके, अब मुझे इनके कैरेक्टर नेम्स पता हैं। क्या बात। शम्मो इनके, इन्होंने एक डिफरेंट बहुत ही डिफरेंट रिस्क लिया और प्रॉब्ली अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर लिया कि जहाँ पर डू और डाई सिचुएशन थी। तो ये बड़े दिल वाले लोग ही कर सकते हैं और बड़े दिल वाला ही बड़ा एक्टर बन सकता है। अज ना रौला पा, उन्होंने वड्डा कोट पाया बिच लुका के लै जाना ही। यही चाहती
एक कोट लैण लई बड़ी मेहनत की, पहले शोर कोट गए ने, फिर सियालकोट आए ने, अच्छा फिर बेगम कोट तो कोट लिया, अच्छा। तो पा के हाई कोर्ट के अगे खड़े रहे ने। अच्छा यार, अच्छा वो कह रही सोना मुंडा, अच्छा अदाकार आ गया, बुला लो जे ओदी लिखी इंजी है। अच्छा आज शिमर भी ला रही है। ओए ए गल की थी कर रहे हो तुसी? स्पॉटलाइट ला जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, टैलेंटेड, वर्सटाइल, हैंडसम Ali Abbas is here, and sir, the mic, spot, and mazak raat stage is all yours. Bajaye pyar ki shabnam mere gulistan, baraste rehte hain har simt maut ke saaye, siyahiyon se ulaj padti hain meri aankhein, koi nahi hai, koi bhi nahi jo batlaye मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना पास ना दूर, एक प्यार है दिल की धड़कन, अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है, ख्वाब कांटों से सिए जाती है, बजाए प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तान में, बरसते रहते हैं हर समय मौत के साए। वाह वाह वाह, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द टैलेंटेड वर्सटाइल अली अब्बास, और देखते रहिए क्या मजाकरात। ये अस्सलाम वालेकुम, आइए सर। जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर। मेरा नाम आयशा है। सर अली, आपको ड्रामों में देखा था, आपकी एक्टिंग काफी अच्छी है, और अभी आपको रियल में देखा है, जितने आप ड्रामों में अच्छे लगते हैं उससे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक शेर है मैं सुनाना चाहूंगी, पंजाबी का है। जी जी सुनाए। मर मरा के पहुंचे यहाँ, इंज ना सजना बुआ डो, मेरे कोल ने गल्ला दो, या अपना कर या मेरा हो। मेरा हो। वाँ। वाँ। क्या बात, वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सर ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है? आमना। सर मेरी अम्मी जो है वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, और आपका जो भोले का कैरेक्टर है उनको बहुत ज्यादा पसंद है। आपको नहीं पसंद? सर मुझे भी पसंद है। तो अम्मी का नाम क्यों लिया? अम्मी ने स्पेशल कह के भेजा कि आपको जरूर बताना है। आप खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे और आपकी बेटी के नसीब चमका दे इंशाल्लाह। क्या कहना चाहती हैं? सर मैं एक गजल सुनाना चाहूंगी। सुनाइए। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया रखा क्या है, क्या बात है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मुस्कुराए हो ना, मुस्कुराहट चाहिए, मजाक रहा था भाई इतना। नाम क्या है आपका? फराज हुसैन। फराज साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और अगर आप कहें तो एक
उस्ताद फैलने जी साहब का एक गाना गाना चाहूंगा। अरे आप जरूर गाइए। लगियां जवाब ना दे दिया, अखियां लगियां जवाब ना दे दिया, लगियां जवाब ना दे दिया, लगियां जवाब ना दे दिया, अखियां लगियां जवाब ना दे दिया, अखियां हीरा ससियां सोनिया रुलियां, हीरा ससियां सोनिया रुलियां, जान दिती कर परत ना मुड़ियां, जान दिती कर परत ना मुड़ियां, लगड़ी प्रीत निभैदियां, अखियां लगियां जवाब ना दे दियां, अखियां लगियां जवाब ना दे दियां, अखियां। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम फिजान आबिद है, और सबसे पहले तो मैं आप दोनों से एक बात करना चाहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस फ्रेम में जो सामने है पाकिस्तान का एक हसीन टैलेंट बैठा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अरे क्या आप हैं, क्या अली साहब हैं। मेरा सवाल आप दोनों से एक है कि जिस तरह के आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप दोनों का जो एक ओड़ा है वो बहुत एक ग्रेट, उसको अगर कहें तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो एक रोल करने के बाद उसे एक बेंचमार्क को सेट करने के बाद अगले ड्रामे में जो एक नया रोल है उसको उससे ज़्यादा पिछले वाले से अच्छा लेके जाना या उतनी ही लेवल पे जाके एक्टिंग करना कितना मुश्किल रहता है और कितना एक आपके ऊपर जिम्मेदारी और बोझ आ जाता है और उसको टैकल किस तरह आप करते हैं? ये अगर मैं आपको बता दूँ तो आप ज़रा गौर से सुनना इसको। ये दोनों सुबह सवेरे जब उठते हैं तो बाग में निकलते हैं, वहाँ पे वॉक करते हैं, तो एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसके बाद घर आके नाश्ता करते हैं, तो उसी बेंच पे बैठ जाते हैं जहाँ पे ड्रामा करना। जी सर, बताएं, जवाब दें। रन, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इमरान इसका ज़्यादा अच्छे डिटेल में जवाब देंगे। मेरे पास जो जवाब है वो सिर्फ इतना है कि कुछ किरदार होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप उसकी एक दफ़ा नब्ज़ पकड़ लें, अपने आप को उसके साथ मर्ज कर लें, तो वो खुद से बताता है आपको कि आपको क्या करना है। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, प्रोसेस बड़ा सिंपल हो जाता। तो ये मेरा तो तरीका यही है कि यार असल अदाकार होता ही हुआ है जो कोरा कागज़ होता है, तो राइटर और डायरेक्टर उनके लिए जगह होनी चाहिए उस कागज़ के ऊपर कि वो जो चाहे वो लिख सके। तो आपको अपना आप पहले खाली करना है, बिल्कुल कोरा होना है, किरदार ख़त्म, आप एक नया कागज़, और अच्छा काम कहते ही उसे हैं जो बाकियों से और आपके ही पिछले काम से अलग हो, इसलिए हम अलग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? माय नेम इज़ मरियम। आपका जो शो है वो आई थिंक पाकिस्तान का बेस्टेस्ट शो है जो अभी तक चल रहा है, और आपकी होस्टिंग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। और मैं आई वांट टू बिकम अ होस्ट इंशाल्लाह। सो आप मुझे क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे एज अ होस्ट? मैं तो खुद अभी नया हूँ, एक नए खिलाड़ी से आपने इतना बड़ा सवाल पूछ लिया जी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ता बनाया कि दुनिया न्यूज़ ने मुझे एक शो करने का कहा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दुनिया न्यूज़ का। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से मशवरे दिए, कुछ ने कहा करो, कुछ ने कहा तुम्हारा एक्टिंग करियर चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, अगर तुम्हारा शो ना चला तो हो सकता है कि तुम्हारा एक्टिंग करियर भी उससे मुतासिर हो। मैं अकेला बैठा, मैंने अपने आप से पूछा कि कैसे करोगे, तो मैंने खुद को ही खुद जवाब दिया कि इमरान होस्ट कहते किसे हैं? तो मुझे जवाब मिला, मेहमान नवाज को। अरे क्या बात। और मेरी कोशिश यही है कि
कि मेहमान नवाजी की जाए, और मेहमान नवाजी का मतलब ये होता है कि मेहमान को इज्जत दी जाए। क्या बात, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अली भाई। अली भाई बाजी आयो रौनकां लाइयां जे, छा गए हो तुहाडे आन दा बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू, और मेरी आपके लिए दुआ है खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।